दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बनाएंगे मूंग दाल की खिचड़ी, जो कि बहुत टेस्टी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए हमें चाहिए मूंग दाल, जो कि हमने धोकर रख लिया है, चावल, मटर, कटे हुए आलू, टमाटर, प्याज, मिर्च और कड़ी पत्ता। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमने हमारे कुकर में 2 बड़े चम्मच घी डाल लिया है, देसी घी है, इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ये हमने डाल लिया जीरा। अब हमारे कटे हुए प्याज डाल देंगे। बहुत टेस्टी बनती है ये खिचड़ी, आप ज़रूर बनाएं। नॉर्मल खिचड़ी तो सबने खाई है, मूंग दाल की खिचड़ी भी आप बनाकर देखिए। प्याज को लाल होने तक भून लीजिए। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है घी में तल रहे तो। अब हम मिर्ची डालेंगे। हमने मिर्च को बीच से कट कर लिया है। करी पत्ता डाल लीजिए, अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अभी हमने यहाँ पर लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल लिया है। हींग डाल दिया थोड़ा सा, अच्छे से मिला लीजिए। कटे हुए आलू डाल देंगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब हम इसमें मटर डालेंगे। कटे हुए टमाटर डाल देंगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है हरा और लाल कलर, ये देखिए। देखिए हल्दी डाल लिया हमने थोड़ा सा, 1 चम्मच गरम मसाला, मिला लेंगे अच्छे से। इसे ढककर रख देंगे ताकि अच्छे से मसाला भुन जाए। देखिए कितना अच्छे तरीके से भुन गया हमारा आलू टमाटर। अब हम इसमें हमारी मूंग दाल डाल लेंगे जो हमने धुल चुकी है। हमारे चावल डाल लेंगे, अच्छे से मिला लीजिए। जरूर बनाइए ये खिचड़ी, बहुत अच्छी लगती है। अब हम इसमें नमक डाल लेंगे, 2 बड़े चम्मच नमक। मटर का सीजन है तो आप मटर जरूर डालिए। हम इसे ढककर रख देंगे। ये देखिए इसे मिला लेंगे अच्छे से। चावल और दाल को हमने थोड़ा सा भून लिया है। अब हम
पानी डाल देंगे इसमें। अगर आप गीली खिचड़ी खाते हैं तो आप पानी ज़्यादा डालिए। मूंग दाल की खिचड़ी जल्दी गाढ़ी हो जाती है। ढककर रख देंगे। ये देखिए हमारी खिचड़ी तैयार है। ये देखिए इतने अच्छे से पक गई है। तो चलिए अभी हम इसे तड़का देंगे। तड़का पैन ले लिया हमने, उसमें घी डाल दिया है, जीरा डाल दिया हमने उसमें, राई, लाल मिर्च, अगर आपके पास लाल मिर्च नहीं है तो भी चलेगा, आप जीरा और राई का तड़का दे सकते हैं। थोड़ा सा हम करी पत्ता डाल देंगे, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। देखिए हमारा तड़का रेडी है। तो चलिए हम इसे तड़का देंगे। ये देखिए हमारी खिचड़ी रेडी है। देखिए कितनी अच्छी लग रही है। आप इसे ज़रूर बनाएं और आप इसे दही के साथ, अचार के साथ खा सकते हैं। नींबू ज़रूर डालिए। तो आपको हमारा रेसिपी अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।